मैं हूं अदनान और आप लोग देख रहे हैं एमए पाकिस्तान। एक बार फिर हाजिर हूं आप लोग के लिए बेहतरीन किस्म की वीडियो लेकर, जो कि हमारे पास एक कुछ नया प्रोडक्ट आया था तो नहीं निकाला है, एक और वीडियो बनानी है बेहतरीन किस्म की। नहीं हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। नहीं वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अदनान? ठीक ठाक, शुक्र फर्स्ट क्लास भाई। कल वाली वीडियो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन जा रही है यार, महंगाई इतनी वीडियो तो जा रही है, लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार करते हैं और जिस तरह मैसेज करते हैं तो आप लोगों को सलाम है और प्यार और सपोर्ट आप लोग ऐसे ही रहेगा, तो इंशाल्लाह हम लोग वीडियो बनाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। ये क्या तुमने जुम्मा बाजार लगाया भाई? जुम्मा बाजार इसलिए लगाया भाई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है तो कस्टमर्स की डिमांड थी कि भाई कोई ऐसा आइटम ला दें जो सारे काम करे एक ही चीज के अंदर, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त, हमारी दुकान का ये बहुत बड़ा बम दिखने में छोटा मगर काम में बहुत बड़ा है और ये बहुत जबरदस्त चीज हमारे पास आ गई है। इंशाल्लाह आप इस चीज को लेंगे और जिंदगी भर हमें जिस तरह दुआएं देते और मजीद दुआएं देंगे इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। आज हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको, बहुत जबरदस्त चीज है और इसमें हम डेमो भी करके दिखाएंगे। हमारे पास टमाटर मौजूद है, बड़ा महंगा गोश्त मौजूद है भाई, ये गोश्त महंगा मंगवाया लड़का लेकर आया था इस तरीके का लेकर आया, और ये मिर्चें भी है, अदरक लहसुन भी है और ये प्याज भी है। और मुझे पता है कि इसकी नीयत खराब हो रही है अदनान की, ये यही माइंड बना के खड़ा हुआ है कि वापसी सारा घर पे ले। यार देखो फेंकने से बेहतर है बंदा इस्तेमाल कर ले। तो रात का खाना तैयार है भाई, गोश्त थोड़ा सा कम है रमजान के लिए स्पेशल, क्यों रमजान में बहुत ज्यादा बाकी में पकौड़े बनाने के लिए प्याज चाहिए, चौक हुई तो आपको सारे छोटा बम बड़ा धमाका, आपको पता चल जाएगा चीज के इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त। मैं कहता हूँ कि शायद आपको इस प्राइस में पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं देगा, सिर्फ एमए ट्रेडर और एमए पाकिस्तान की तवज्जो से आपको आइटम मिलेगा। और सवाल भी हम लाजमी पूछेंगे, कल जो वीडियो बनी थी उसका जवाब जो जिस बंदे ने दिया है, हमने थोड़ा सा और सवाल पूछा था मगर वो बंदा बहुत तेज और होशियार, बेहतरीन तरीके से जो है ना उस चीज को जज किया और बिल्कुल सही जवाब दिया। वो बंदा सिलेक्ट हो चुका है, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया और बहुत जल्दी जवाब दिया। मेरे ख्याल से शायद वो बहुत शौक से वीडियो देखता है तो उसने मतलब प्रीवियस वीडियो देखी नहीं होगी, उसने वैसे ही जवाब दे दिया क्योंकि नईम का चाहने वाला लगता है मुझे, उसने फटाफट जवाब दिया, बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। तो नईम दिखाने लगा है उस बंदे का नाम, स्क्रीनशॉट लिया था ना, स्क्रीनशॉट लिया होगा, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था वैसे ही, हालांकि मुझे पता था कि मैंने थोड़ा डिफरेंट सवाल पूछा, मैं देखता हूं लोग मेरी वीडियो कितने शौक से देखते हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं इसमें कोई शक, मुझे लगता है नईम सबसे बड़ा फैन है वो आपका क्योंकि जितनी तेजी से उन्होंने जवाब दिया है बाकी लोगों ने कॉपी किया उनको भाई। पता गैलरी में निकालो, गैलरी में जाएंगे फोटोज में चले जाओ, फोटोज के अंदर जाओगे आप वो तो स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, गैलरी आप इसमें जाओ फोटोज के अंदर स्क्रीनशॉट आपके आ जाएंगे भाई, ये स्क्रीनशॉट आ गए, स्क्रीनशॉट में आप अरे भी उर्दू में दिया था जवाब उसने जी। अच्छा जी भाई, इसका हम बताते थे शुरू में, बड़ा जबरदस्त लर्न सिंधी लैंग्वेज विद मिस्टर मिसेस लिखा हुआ, मिसेस राशिद है, मिसेस राशिद, तो इन्होंने जो जवाब दिया दिखा दो स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये देखिए इतना बड़ा और इतना लेंथी और इतनी तेजी से जवाब देने वाले मेरे ख्याल से जो भी खातून है ये, तो ये मेरे ख्याल से नईम की बहुत बड़ी फैन होंगी जिन्होंने बड़ा फास्ट आंसर दिया। और जवाब में देखिए हमने पूछा था कि एक चूल्हा हमने जो दिखाया था उसकी कीमत बता, हमने उस वीडियो में हमें खुद भी याद नहीं था, हमें खुद भी याद नहीं था, माना कि मुझे याद नहीं था, मैंने कहा था कि मेरे ध्यान लगा ना एक नहीं दिखाया, तो ये बिल्कुल सही, हालांकि दूसरे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जवाब सही दिया है, इन्होंने सबसे पहले और बिल्कुल सही जवाब दिया। भाई मीटर आपका हुआ ठीक है, जो वीडियो में कल दिखाया था वो मीटर आपका हुआ, तो हम उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिसेस राशिद है इनका पूरा जो नाम है, लर्न सिंधी लैंग्वेज विद मिसेस राशिद के नाम से हुई है ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए मुझे, मेरे नंबर पे अदनान का नंबर 03171050032 इस नंबर पे करेंगे, मुझे जल्दी आंसर दीजिए। वैसे अदनान को जो एक्चुअल नंबर उस पे भी आप व्हाट्सएप करेंगे तो जवाब मिल जाएगा 03453872 75। आज हम इसको आप लोग वीडियो एंजॉय करें, वीडियो देखें, छुरी वीडियो देखें, मैं ये बता रहा हूं मेरे सर पर ही होना है, छुरी तेज करनी है भाई, पकड़े तो लोग पकड़ के ले जाएंगे मुझे, नहीं 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 अच्छा छुरी तेज करनी है, डिमांड बढ़ेगी, नहीं भाई भाई वाले काम नहीं करे, छुरी लग गई मेरे, फिर भाई जस्ट हमने एक मजाक किया, कोई ट्राई ना करे को देख के सर पे छुरी ना मेरे कसाई जा रहे हो बोले दान भाई, कोई बर्दाश्त नहीं करे, चवाड़ मारेगा कुत्ते आप, बकरायत पे जा रहे हो कसाई बोले दान भाई, एक मिनट इधर आ लो, छुरी तेज करनी है भाई सर के ऊपर। तो भाई हम ये बहुत जबरदस्त एक धमाकेदार हमारे पास आइटम आया जो हमारे पास इससे पहले कभी नहीं आया, खोल के थोड़ा सा टिपिकल है, हम आपको इजी करके दिखा देते, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ये इसकी सारी एसेसरीज है इसके अंदर, और आपको जब भी ये रिसीव होगा तो आपने सबसे पहले इसको इजीली निकालना है, बिल्कुल जज्बाती नहीं करना, जज्बाती होना नहीं है, क्योंकि जब चीज आती है ना तो लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत से निकालना है, ये मोटर बहुत हैवी है, बहुत प्यारी मोटर है और ये बेसिक सारे काम करेगी, लिक्विड फॉर्म में, सूखा नहीं पीसेगी, गीला गीले में आपका जो दिल चाहे पीछे, गाय का गोश्त हो, मुर्गी का गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो, इंसान का गोश्त नहीं। तो बाकी अदरक लहसुन मिर्चे वगैरह भाई मजाक करते हैं, किसी को कोई बात बुरी लगे तो हर किसी का दिल दुखाना नहीं है, पेशकश का काम है इसमें, मैं हाथ से लगाऊंगा मेरा भाई, तो भाई इस तरह से आपको कंप्लीट एसेसरीज मिल जाएगी,
ये सारी चीजें इसमें, मोटर तो आप बिल्कुल साइड कर दें। सबसे पहले रबड़ का जो यूज है वो मैं आपको बता दूं, ये नीचे लगता है, ये नहीं भी लगाएंगे तो आपका काम करेगा, मगर अगर कोई चिकनी जगह होगी तो ये वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। ये बाउल आपने लेना है, ये सबसे पहले इसकी आपको एक छोटी सी शॉपर दी हुई है, इसको आपने खोलना है, इसको इजी होकर खोलना। हम हालांकि पहले से फिट कर सकते थे मगर आप लोगों को परेशानी हुई है। दो ब्लेड बड़ी जबरदस्त स्टेनलेस स्टील की दो ब्लेड मौजूद है, और स्टार भी बहुत आ रहा है भाई। ये देखें, ये छोटी सी एक लंबी सी स्टील के गोल सी, और ये नट है, ये नट आपने नीचे इधर डालना है, ठीक है। असल में हम लोग इसको खोल के फिटिंग करके भेज सकते हैं, मगर फिर पैकिंग आउट हो जाएगी, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जो छोटा बड़ा धमाका है, गीला मसाले के लोग बड़े परेशान होते, पूरी ब्लेंडर निकालनी पड़ती, फूड फैक्ट्री किचन के अंदर एक साइड में पड़ा रहेगा, सारे काम करेगा रोजमर्रा के आपके। ये नट देखें आरिफ भाई, थोड़ा कैमरा करीब करें, ये नट अंदर हमने लगा दिए, इसको इस तरह टाइट करना है, बहुत इजी है, ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी ब्लेड को एडजस्ट करना है, ब्लेड एडजस्ट करने के लिए ये सबसे ऊपर लगता मतलब है, मेन काम ठीक है, ये सबसे मुश्किल काम है। देखिए सबसे पहले आपका ये हिस्सा आएगा, ये छोटा वाला हिस्सा देख लें, छोटा हिस्सा ये आपने रखना है, अदना सीधा उल्टा देख लेना, मेरे से मिस्टेक हो गई थी जब पहला पीस हमने जो एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त आए थे उनको दिया है सुबह, सही है, सही है ना, ऐसे घूमेगा ना, ये ऐसे घूमेगा, अच्छा उल्टा लगा दूं, ठीक है भाई। ये ब्लेड आप देख लें, ये ऐसे लगाने, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी मगर आप लोगों के लिए बिल्कुल आसानी रहेगी। इसमें एक बारीक सा होल दिया हुआ है यहाँ पे, और ये बारीक सी लाइन दी हुई है, ये इजी यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से इजी अंदर चला गया, ठीक है, इजी हो गया। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम एक ही दफा का काम है, बाद में आपको बार बार लगा ले, बार बार बॉक्स में करना नहीं आपको। उसके बाद आपका जो है ये हिस्सा जो है, ये देखिए इसमें भी होल है और यहाँ पे भी लाइन है, ये हिस्सा इसके इधर जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा इसका जाएगा अंदर, और इसको आपने थोड़ा सा किसी भी चीज से फोर्स कर लेना, एंड में करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये नंबर टू ब्लेड है, इसी तरह यहाँ लाइन जा रही है, ब्लेड सही है था? ये मेरे ख्याल से ये जिस तरह ये लगी हुई है ना, ये हाँ ये लगेगी सही है, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ से ये होल दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई, ये इजी यहाँ से इजी टू कैरी हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी इसमें भी होल दिया हुआ है, होल वाले हिस्से से ये सिंपल साइज में आपने डालना है ये इधर, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट ब्लेड हो गया, मगर आपको इसको कोई जानदार चीज से इसको थोड़ा सा मारना पड़ेगा, नीचे वाला रह गया, अब आपकी मेहनत खत्म हो गई, अब आपको काम करना है इसमें, बिल्कुल सिंपल से काम करना है, और आज हम आपको डेमो करके दिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में थोड़ा टिपिकल है, मगर ये पैकिंग की वजह से फिट होने के बाद तो इजी हो जाएगा, इसको आपने बार बार खोलना नहीं है, ये बस फिट हो गया, खुलेगा भी नहीं, खोलने की किसी ने कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि इसके ब्लेड बहुत तेज है, हाथ कट जाएगा आपका, सिंपल से आपका ये ब्लेड इसके अंदर लगेगा, ठीक है, ये ब्लेड लग जाएगा। उसके ऊपर ये बड़ा जबरदस्त है, इसका अंदर की बेल कैप है, ये बैठ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, ये इसको लॉक हो जाता है, इसमें लॉक करने का सिस्टम भी है, इसमें लॉक करने का सिस्टम भी दिया हुआ है, इजिली बैठा भी सकते हैं। मैं दोबारा से इसको खोल के दिखा दूँ, देखिए इसमें लॉक सिस्टम है, इसको इजिली आप घुमाएंगे तो ये फंस जाएगा इसके अंदर, ये बैठ गया पूरा, लॉक हो गया, मगर हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए मुश्किल होगी, डेमो करना है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसको हम खोल के रख देते हैं। अतः मेरे तो हाथ भी ऑयली हो रहे हैं, खोलो जरा, ये खुल गया, ठीक है। इसको हम ज़्यादा लॉक नहीं करेंगे ताकि हमारे लिए मुश्किल नहीं हो, आप इजी टू कैरी इसको कर सकते हैं, आराम से इसको बिठा दें, बस इसके लिए काफ़ी, ज़्यादा फिट नहीं करें, और इसकी ज़बरदस्त सी मोटर है, अतना स्विच लेके आओ, ये बैठ गया इसका, ठीक है, ये हमने बिठा दिया, इसको हम खाली चला के भी दिखा देते हैं आपको, बहुत जबरदस्त चीज है। मैं कहता हूँ हर बंदा एक ही ले ले, प्राइस भी बहुत अच्छी है और बहुत जबरदस्त, किसी भी कंपनी का आप लेंगे ना तभी तो बड़ा महंगा है, अगर हम सस्ता देंगे, हमें सस्ता है, सबसे सस्ता है हर चेहरा मुस्कुराएगा भी, ये सबसे सस्ता है इसलिए क्योंकि हर चेहरा मुस्कुराएगा, और हम जो मुस्कुराते हैं आप लोगों की दुआ भी, जैसे आप लोग जितना प्यार करते हैं इसकी वजह से मुस्कुराती ही लग गया, इसको आपने साउंड भी बड़ा सॉफ्ट है, इसको आपने चलाना ऐसे ही, ठीक है। ज्यादा रिंग में क्या डालने वाले इसके अंदर, इससे सबसे पहले मैं सोचूं तेरा सर डाल दूं अंदर, मेरा सर नहीं आएगा, बहुत छोटा है क्या सर भाई, ये जरा से इसका मैं आपको खोल के दिखा दूं, इसका कैप आपने खोल लिया, हमारे पास जितना भी मीट है हमने इसके अंदर ये डाल दिया, अरे भाई देखिए सारा साबुत डाला है, और हमारी क्वालिटी क्या, हम बिल्कुल भी वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करते, वीडियो कहीं भी रोकते नहीं बनाते हैं, और ये मीट चौक होने के बाद मेरे घर जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, वीडियो काट नहीं रहे हम लोग, एक टाइम में इसके अंदर आधा पाव गोश्त आप डाल सकते हैं, आधा पाव से एक पाव भी डाल सकते हैं, मगर अपनी चीज है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टाइम देखिए कितना लगता है, कोशिश करें चिकनाई वाला कम, मेरे ख्याल से नहीं, कम से कम डाले चिकनाई वाला, कोशिश सब चलता है, मगर ये कि शामी कबाब का जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करना, शामी कबाब का नहीं डालो, थिकनेस वाला आइटम, लिक्विड वाला सारा करें, शामी कबाब का सब करें। ये देखिए 1 2 3 अंदर गिनती गिनोगे आप, 1 2 3 गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 में हो गया होगा, अरे हो गया भाई, वाकई में हो गया यार, ये हालांकि कहता हूँ बड़ी स्पीड में गिनती गिनती, मैंने स्पीड में गिनी गिनती नहीं, स्पीड में नहीं, स्लो, पर बहुत बेहतरीन काम किया, गोश हो चुका है, अरे बहुत जबरदस्त हो गया है,
बहुत जबरदस्त हो गया है मेरे ख्याल से यार। ये देखें इसका दाना, मतलब दाना मुझे लग रहा है इसका सबसे पहले ऑर्डर मेरे घर से आने वाला है। वही बात, पूरी दुकान तो घर पे उठा के ले जाएगा क्या? पूरी दुकान ले सारे उठा के घर पे ले गया, पर वापस भी लेकर आओ भाई। डेमो करके सारी चीजें, ये सारी चीजें घर ले जाके रख देते हैं। अरे भाई, अरे भाई भी तो लेके गए, वो थोड़ी बोलेंगे। मैं ये बहुत पहले लेके गया हूँ जब रेट बहुत हाई थे इसके। अच्छा अरे भाई, ये देखिए बड़ा जबरदस्त अपना दस तक गिनती किलो गिनी, फिर इनके बाद पता नहीं क्या हुआ, सिलो हो गया। मेरा बहुत कम टाइम भी है और ये तकरीबन एक पाव गोश्त हमारा जो जबरदस्त करेंगे। सवाल भी पूछने को दिमाग लगाया नहीं लगा, तुझे आते सवाल। चलो ठीक है, उसके बाद करेंगे। अदरक लहसुन भाई, अदरक लहसुन हमने ले लिए, ब्लेड वापसी से इसमें लगा दी हमने। अच्छा अदरक का रूट मेरे ख्याल टुकड़े नहीं कर रहे यार, मैं पीस कर रहा हूँ, टेंशन नहीं। छुरी है हमारे, छुरी है आपके? छुरी किधर है? छुरी बहुत बड़ी है, वो कोई मतलब नहीं है। ये छुरी आ गई, छोटे से पीस कर लेने। ठीक है, ये पीस हमने करके डाल दिया। छोड़ कर रहे, बंदा ऐसे काट रहा था, अरे भाई तो कोई क्या कर रहा था। तो मम्मी डैडी, मम्मी डैडी की तरह काट रहा था बिल्कुल डर डर के, हाथ दूर दूर रख के। भाई ये चीज थी वो, और ये लेडीज को पता है काटने के बाद जलन कितनी होती है हाथों में। अच्छा ये हमने लहसुन डाल दिया, अब लहसुन के अंदर जो है ना, पहले हम सादा चलाएंगे, इसमें भी थोड़ा पानी भी ऐसा पानी डाल दूं। डाल दो थोड़ा पानी, थोड़ा लिक्विड डाले, लिक्विड डाला देंगे, लिक्विड वाला भी इजीली कर सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। पानी थोड़ा डालना, हंसबे जाएगा। ठीक है, शरबत डालना, चीनी नहीं, नहीं नहीं, बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये ले लें इंशाल्लाह, हर बंदे के काम की चीज है, बहुत जबरदस्त है मैं कह रहा हूँ। ये मोटर इसको नहीं, ये कहा है ना, नहीं नहीं, ये छोटा बम बड़ा धमाका। ये बाकी में चीजें बहुत कम चीजें मुझे पसंद आती है, अंदाजा हो गया इस चीज से, मुझे बहुत कम पसंद आती है। बाकी में इसकी चीज की क्वालिटी जबरदस्त थी। अदा इसको थोड़ा सा साइड कर लो, ताकि हम सवाल किसी वक्त भी पूछेंगे। और गिफ्ट आपको लाजमी मिलेगा, आज जो कल की वीडियो का गिफ्ट था वो हमने बता दी है, जो हमारे मिसेज का था, मिसेज आशीष करके, सिंधी लैंग्वेज है, लैंग्वेज करके कोई इनका नाम है। और नाम भाई के नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं। 1 2 3 मोटर से बैठ गई, बैठ गई भाई, बड़ा जबरदस्त। बाकी में छोटा बम बहुत बड़ा धमाका है ये तो, माशाल्लाह भाई, जबरदस्त काम हो गया। अदरक लहसुन देखिए, मतलब पूरे रमजान में पकोड़े बनाते वक्त आप लोगों को दुआएं देनी ही देनी। वैसे तो आप लोग देते माशाल्लाह, पर वैसे क्या देते रहेंगे भाई दुआ। एक लहसुन रह गया साबुत, एक लहसुन रह गया, मगर हमने जल्दी कर दी। एक लहसुन रह गया, बाकी तकरीबन माशाल्लाह ये हो चुका है, हो चुका है, जबरदस्त सा पेस्ट बन चुका है। फीका मावा लग रहा, दानेदार, हां दानेदार, दाने वाला मावा। तो भाई इसको आप जितनी क्वांटिटी चाहे कर सकते हैं, मगर हमने जितना हमारा मौजूद था उतना कर लिया। उसको स्पैचुला भी ले लें, 100-150 रुपए का था, वो जबरदस्त रहता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा आपका। तो अदनान भाई मेहनत कर नहीं रहे, खाली मजे ले रहे हैं, और एंड में ही सामान थैली में डाल के घर ले जाएंगे। यार देखने से बेहतर है किसी के पेट में चले जाए, मैं कहता हूँ, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। थोड़ा टाइट करना था, देखो इतना सा घी में ही चले जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नहीं ठीक है भाई, ये गोश्त भी हो गया, अब इसके बाद क्या करना, प्याज कर दूं? अब मिर्चे करो, मिर्चे कर दो, मिर्चे करो, मिर्चे। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं जबरदस्ती मिर्चे, मिर्चे अच्छी खासी और जबरदस्त मिर्चे लग जाती है लोगों को। यार वैसे ही हमारी वीडियो बनने कितने लोगों को मिर्चे लगती है। असल में मीठी मीठी बातें करो तो उसके बावजूद भी मिर्चे लग रही थी। मीठा खाने का मीठा फील होता है, कड़वा खाने का कड़वा होता है। अब तो भाई पता नहीं क्यों हो रहा है ये कड़वा, ये उन लोगों कड़वा, ये कड़वा वाला हलवा खिला दें, ये असली घी का, एक चम्मच असली घी का हलवा खा ले आपकी जिंदगी। अच्छा ये मिर्चियों के अंदर भी पानी डलता है? असल में मेरी थोड़ी सी है ना, हस्बे जायका तो मसाला, असल में मेरी उर्दू कमजोर है, आई एम इंग्लिश मैन, आई नो, ओह माय गॉड, आई स्पीक इंग्लिश, ओह माय गॉड। तो भाई जलने वाले जलते रहेंगे, और एमए ट्रेडर इसी तरह वीडियो बनाएगा। अगर जलना है भाई आप लोगों को, मिर्चों से जलना भाई। हां ये मिर्चे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सारे यार, हम तो माशाल्लाह लोग हैं, 300-400 जो कमेंट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सबने दुआएं दी होती हैं, और सारे बड़ी अच्छी बातें की होती है सब लोगों ने। अच्छा लास्ट टाइम ये मोटर आपको थोड़ी टिपिकल लगेगी, मगर इसको हल्का फुल्का हिलाएंगे तो हो जाएगा। 1 2 3 गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। मिर्चे लग गई, लग गई। अरे मैं थोड़ा कैमरा करीब करके दिखाओ, थोड़ा पानी की शॉर्टेज है इसमें, क्योंकि
पानी डालना चाहिए ना, पानी बहुत तेज घास हो रही है। क्या लग गई मिर्ची? तो बहुत तेज है भाई, बहुत तेज मिर्ची। ये मलेर की मिर्ची तो नहीं लिया मिर्ची है भाई ये। बैठ जा भाई। अच्छा नीचे वाला नहीं बिठाया तो पराला कैसे बैठेगा यार? असल में मुझे जो है ना खुशबू बहुत तेज आ रही है इसकी, बहुत ज्यादा तेज बन रही है। ये बैठ गया ठीक है। थोड़ा वैसे दर्दपन वाला प्रेस करो, इससे लगाओ जो तुम्हारा काम है वो तो तुम करो। सही लगा ये मिर्चे लगेंगी ये हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जबरदस्त सा पेस्ट बन चुका है। सवाल हम पूछने वाले, सवाल पूछने क्या यार, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सवाल पूछने क्या समझ में नहीं आ रहा, सवाल ऐसे पूछ मुझे बता। सिर्फ एक चम्मच, आप यकीन करें आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान, फिर आप चलना छोड़ देंगे गारंटी। सवाल आ रहा है, रस्ते में पहुंचा, आ गया दरवाजे तक पहुंच गया। नहीं भाई वो आ गया, सवाल आ गया। खोलो दरवाजा, खोलो 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 दरवाजा, खोलो आ गया। अगली चेयर में तो पूछेगा कुछ बताइए। चलो पिछली लास्ट वीडियो के हवाले से पूछते, तो बहुत टिपिकल भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। कुछ हो गया था मुझे एक वीडियो के अंदर, मुझे कुछ हो गया था। वो कौन सी वीडियो थी? बाद में चैनल पे थी, मेरे चैनल पे थी, किस कौन सी वाली वीडियो थी बता दें। पिछली वाली वीडियो में मैं मुझे कुछ हो गया था, मैं जज्बाती हो गया था। वो कौन सी वीडियो थी? चलो बता दा, जज्बाती हो गया था। नहीं मैं एक वीडियो के अंदर, वो तो बहुत सारी वीडियो में होता है जज्बाती, तो नहीं वो नहीं, कुछ ज्यादा इमोशनल वाला जो था, कुछ ज्यादा अलग ही था। मैं बता दे, चले चले ये भी बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान आसान सवाल। हमारे चैनल पे भी हो सकती है और हमारे चैनल पे भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक वीडियो में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बहुत ज्यादा मतलब मैं जज्बाती भी हो गया था, और मुझे जो अपना फ्लैशबैक जो है ना वो मुझे याद आ गया था। मैं बस मैं मेरा जो वक्त मतलब है वीडियो में से ही है वो, बस ये पीछे जो गई में वीडियो पीछे ही ज्यादा ज्यादा मतलब वो तो नहीं है, नॉर्मल है भाई। जो भी है कहीं मैं एक वीडियो में बड़ा जज्बाती हो गया था, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। तो ये तो बता दिया फिर इन्होंने, बाकी ढूंढ लें आप लोग भाई। चलो ठीक है मम्मी, तो गिफ्ट देना, हमें गिफ्ट देना, ढूंढ लें गिफ्ट देना। ये नहीं आपकी आंखों में जो आंसू आएंगे ना, वो आएंगे इंशाल्लाह खुशी के आंसू आएंगे। मैं इसलिए रोया था क्योंकि मैं जो हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फखर है कि मैं नीचे से बहुत ऊपर आया हूं। मैं कोई अरबपति खरबपति नहीं, मिडिल क्लास हूँ, और अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है, जितना प्यार दिया है, तो मुझे आता है अदनान भाई एक बचपन का मेरा अपना किस्सा भी था। मैं बहुत गरीब घर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे घर में ऐसे हालात थे, बोल तो मैं नहीं छुपा था कि अल्लाह से छुपाना भी नहीं चाहिए भाई। ऐसा वक्त था कि हमारे घर में दूध के पैसे नहीं होते थे, सुबह उठ के दूध के पैसे भी नहीं होते, वो हालात होते थे। और मुझे मैं एक वाहिद, मेरे घर में मुझे प्राइवेट स्कूल पढ़ाई गई, मेरे घर की जितनी भी फीमेल थी मेरी बहनें थी वो सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, और इतने मुश्किल हालात थे। गरीब का ख्याल गरीब ही कर सकता है, जो नीचे से आता है उसी को एहसास होता है, तो उसको जो इतना एहसास है वजह यही है। बात ये थी कि देखिए मैं कहता हूँ ना कि एक बाप के लिए कितना मुश्किल है कि उसकी औलाद के लिए वो कैसे नहीं करेगा, भले वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, वो उसके लिए कितना मुश्किल है कि अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा ना करे। इसी तरह मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जब मैं छोटा था, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, और मेरे स्कूल में सब अच्छे घर से लोग आते थे। मेरे माँ बाप, हर माँ बाप चाहते कि उसकी औलाद अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी तालीम हासिल करे। तो मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि चला हमारा एक बेटा है तो उसको हम अच्छे स्कूल में पढ़ा। उन्होंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पढ़ा भी, और वहाँ मेरे साथ थोड़ी सी जज्बाती लम्हात होते थे। मुझे मेरा एक मुझे अगर कुदरती अल्लाह ने कुछ दिया तो गॉड गिफ्टेड दिमाग दिए, दिमाग में हर चीज़ मेरे रहती है, मैं भूलता नहीं। तो थी नहीं था कि मेरे घर में जो है ना एक जैम का डिब्बा आता था, और पूरे महीने वही जैम लगती थी, और जैम भी ऐसी लगती थी डबल रोटी में कि बनाए ना मतलब दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। मुझे जो है ना लंच बॉक्स में मिलता हूँ। मैं क्लास में जब जाता था ना तो वहाँ पढ़े अच्छे करके लोग आते थे, तो वो लंच के लिए बॉक्सेस में अलग अलग रोज आना चेंज चीजें, वो एक अलग। फिर कैंटीन के लिए वो पैसे भी लेके आते, समोसे रोल भी खाते थे। अब मैं बड़ा मतलब देख के आप दीदा भी होता, मैं अपने अब्बा से भी कहता था कि अब्बा ऐसा है, तो अब्बा भी कहते बेटा सबर कर। अब्बा कहते थे सबर का फल मीठा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज इतनी इज्जत दी है, और हमारे माँ बाप की इतनी दुआएं हमारे साथ, और हर बंदे को चाहिए अपने माँ बाप की दुआएं ले। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, इंसान जब एक औलाद ऊपर जाता है ना तो उसके पीछे पूरी बायोग्राफी तेरी एक वीडियो अपलोड करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। मेरी स्ट्रीम माशाल्लाह ऐसी बनी है, एक हमें टाइम मिल जाए तकरीबन दो दिन का कोई टाइम मिला ना फ्री टाइम हम लोगों को, तो नहीं की पूरी बायोग्राफी आपको, आप यकीन करें जितने भी व्यूवर्स है ना आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जो इसकी मेहनत है ना, मैं इसको जानता हूँ बचपन से, 24 साल की जो इसकी मेहनत है, आप लोग वो वीडियोज देखेंगे उसकी इंशाल्लाह, मनाएंगे जरूर।
आप लोग रोएंगे वो देख के वीडियो, तो बहुत मेहनत की है अदनान। वो जब लम्हा था ना, जब क्लास में जब बच्चे वो टिफिन खोलते थे और मैं वही रोजाना ब्रेड खाते, तो मेरा दिल जलता था कि यार ये लोग खाते हैं। तो कहने का मकसद था कि यार दिल तो अल्लाह ताला ने हर बंदे को दिया है, मगर क्यों इतनी मुश्किलात कर दी लोगों के लिए, लोगों के लिए जीना। आजकल के भी देखिए, एक बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए भी बंदा 10 दफा सोचेगा। इतनी बड़ी बात है, ये बात देख लो ना, कल हम लोग रात में हम लोग ने तकरीबन आधा घंटा उससे बहस की। मतलब नॉर्मली जो चीजें पाकिस्तानी, उसके रेट इतने हाई हो गए कि हम लोग खुद परेशान है। माशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा दे रहा है, अच्छा कमा रहे, फिर भी रेट इतना हाई कि 10 मिनट सोचते लेने से पहले। तो जो गरीब बेचारा तनख्वाहदार बंदा है, किराए के घर में रहता है, कैसे पूरा करता होगा यार। नहीं यार, हमारे मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज है, बाहर इतनी इतनी जायदादें अपनी बेच के ला नहीं सकते। डॉलर की उसको काम करेगा भाई, अपनी जायदादें बेच के पाकिस्तान में पैसा लिया, आपको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। खांसी आती बाहर जाते हैं, यहाँ गरीब का बच्चा। मैं अभी रिसेंटली बताया था, एक मेरे मैं रिलेटिव हॉस्पिटल में था, मैं गया था, गरीब का बच्चा है तो उसको एडमिट नहीं किया, क्योंकि नहीं किया गरीब का, उसका होली ऐसा नहीं था। वो ना पैसे नहीं पाएगा ना, हॉस्पिटल को पता नहीं हमारे पैसे नहीं दे पाएगा, बेकार उसको एडमिट करना है। तो यार अल्लाह पाक आसानी करे, बहुत मुश्किल हालात है, इन लोगों ने जीना आराम कर दिया, मुसलमान नाम के रह गए यार। किस चीज भाई, जो ये लोग है, जो इस तरीके के लोग है ना, मैं कह रहा हूँ उन लोगों को इन मिर्चों की जरूरत है, ठीक है ना। और हम लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा, एक आवाज बनकर इस तरीके की मिर्चें लगाएंगे ना उनको, तो वो सुधरेंगे, ठीक है। हम लोगों में क्या है कि मैं खरीद सकता हूँ, मैं क्यों बोलूँ भाई, वो खरीद सकता है वो क्यों बोला यार। जो नहीं खरीद सकता ना, उसका साथ दे, खड़े हो उसके साथ, तो महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम लोग कामयाब होंगे, वरना कभी भी कामयाब नहीं होंगे, वरना पिसते रहेंगे हम लोग जिंदगी भर ऐसे। यार मुझे ये बताओ कि जितने भी टैक्स जाता है हमारे पर रिटर्न कभी मिलता ही नहीं, टैक्स भी नहीं है, हिसाब किताब ही नहीं उसका। मुझे अभी परसों में एक बंदे से जिद्दत होती है, वो बता था ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद दुनिया में आई नहीं है, उनके ऊपर पहले से कर्जा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल, जिनकी औलाद दुनिया में नहीं आई है भाई, अभी पाकिस्तान का एक एक फर्द लाखों रुपए का कर्जा है, वो बेचारा जो टैक्स भर रहा है फिर भी कर्जा। हम लोग देख बिस्किट हर चीज पे टैक्स, 18% जीएसटी कर दिए, 12 थी, 15 थी, 18 कर दिए, और आज जो डॉलर पे फ्लक्चुएशन आई है, मेरे पास जितने भी पीछे मार्केट के लोग हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए। अबे मेरे भाई जालिम लोगों को थोड़ा सा नहीं, पर रेट बढ़ गया, अबे थोड़ी सी आसानी तो करो, लोग जीते जी मर जाएंगे कैसे करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी कौम कैसी है। मैं कह रहा हूं ना, ये मिर्ची लगानी पड़ेगी, नहीं ये हल है इनके लिए। तो बहरहाल ये जज्बाती बातें होती रहेंगी, सवाल भी मेरा जज्बाती था, मैंने पूछा था कि वीडियो का सवाल बोलूं तो आप, क्योंकि बातें बोल रहे हैं। एक वीडियो है जिसके अंदर मैं जज्बाती हो गया था, वो कौन सी वीडियो थी, उसमें बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। अच्छा, आपको आप बस वो बता दे, मुझे बता दे कब किस कौन सी वीडियो थी, वो सिंपल सा मुझे सिंपल सा सवाल है कि कब वीडियो थी, वो कौन सी वीडियो थी जिसके में जिसके अंदर मेरी आवाज है उसके ऊपर, वो भी बता दो। हां, इनाम क्या देते हैं, इनाम दे देते हैं, हमारा तो दिन दिन में पड़ा है। हां, क्या है जिसका सवाल आ रहा था, वैसे आप लोगों के इनाम भी आ रहा है, इनाम भी आ रहा है, इनाम भी आ रहा है। और ये सवाल तो आ गया था, इनाम लेने के लिए नईम भाई जा रहे हैं, दरवाजा खोलने आ रहे हैं। नाम नहीं, बाहर नहीं जाएगा, दुकान से ही देगा भाई। मैंने दरवाजा खोला, इनाम आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको नेट से पैसे मिलेंगे, मेरा भाई कुछ भी नहीं मिलता, हमने वादे भी किया था। हम लोग को एक रुपए का भी नहीं पता डॉलर के बारे में, कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, अर्न कैसे होता है हमें नहीं पता। हमारी पिछली 7 वीडियो थे जिसका मोनेटाइजेशन बन पड़ा हुआ था, हमें पता ही नहीं। जो वायरल वीडियो है 40,000 हमने कमाने के लिए थोड़ी, हमने तो कहा जो भी है पैसा ही नहीं है, हम लोगों की आसानी के लिए लगाएंगे। हमें तो पता ही नहीं हमारे वो पैसे जाया हो गए, मोनेटाइजेशन ही बन पड़ा हुआ था हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें इसमें मदद कर रहे हैं, डब्बा चलता रहता है, हमें इसमें भी हेल्प करता लोग, और ये लोगों के लिए होता है, गिफ्ट वगैरह भी दे होते हैं हम लोग। ये देखिए भाई, ये डब्बा है, इसमें लोग पैसे डालते हैं, तो ये पैसे भी हम लोगों को देते हैं, और ये गिफ्ट भी हम अपने पास से देते हैं, किसी डोनेशन डोनेशन का नहीं होता। नहीं, उसका कोई तालुक ही नहीं डोनेशन से, कोई तालुक नहीं मेरा। ये तो हमने रखा है, बंदा खुश तो अल्लाह खुश, मतलब बंदों की मदद के लिए रखा है, अल्लाह के तो बंदे हैं, अल्लाह लोग सपोर्ट की मदद के लिए रखा है। तो हम अपने पास से भी बहुत ज्यादा करते हैं जितनी हमारी, पर कुछ आ रहे भाई इस तरीके के बंदे भी आ जाते हैं तो हमारी मदद करके चले जाते हैं। ये देखिए कुछ बंदे ऐसे भी आते हैं, तो भाई खुदा का खौफ करो, 1,000 रुपए यहाँ तो दे जाओगे, आखिरत में कहाँ से दोगे भाई। कारण नहीं, बातें चलती रहेंगी, सवाल पूछ लिए भाई, स्त्री मिलेगी गिफ्ट में, और जलने वाले जलते रहेंगे, और इसी तरह हम करते रहेंगे, टेंशन नहीं है। अच्छा, इधर हमने अदरक लहसुन कर लिया, मिर्च हो गई है, मीट हो गया, और अब रहेंगे प्याज, उसके बाद टमाटर। पहले प्याज भी डालते हैं, फिर उसके बाद टमाटर डालेंगे, हाथ धोना पड़ेंगे, तो बड़ी जबरदस्ती। आप जल्दी से लगा मत देना, वरना आपकी चेहरे की रौनक नूरानी चेहरा हो जाएगा ना आपका, माशाल्लाह भाई। आप लोगों के प्यार और आपकी दुआ से लावा आंखें नहीं, वो नया किस्म का नूरानी चेहरा होगा, जो नहीं वहाँ से हिल रहा है।
हो गया ठीक है। हारिफ भाई आपका गलत जवाब हो गया, प्याज है ये। यानी मेरे हाथ थोड़े चिकने हो गए। अरे माशाल्लाह ये तो बहुत बिल्कुल प्याज है ये। मैंने पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया था, मुझसे मिस्टेक हो गई। प्याज का पानी पिए सर पे लगा जाए। नहीं नहीं अदनान सर पे लगा, बाल आ जाएंगे। लगाने के लिए बेहतरीन चीज है भाई ये, बाल आ जाएंगे। पर मैं ही लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा अदनान ये एक हमारा जो लास्ट रह गया, ये टमाटर का जो पेस्ट है उसको थोड़ा सा मेरे खाते कुछ टमाटर का पेस्ट निकाल दे, इसमें मिला देना, आपको मसला नहीं मिलेगा। नहीं टेंशन नहीं, पक्की बात है यार, ये तो बड़ा पक्का आदमी है। अच्छा अब ये ब्लेड हमने लगा दी, छुरी ले जाओ। छुरी नहीं, कैसे काटते हैं? अबे ऐसे तो टमाटर फैल जाएगा। कोई मसला नहीं। मम्मी डैडी ये देखो यार क्या कर रहा है ये संडे को ना, संडे को भाई भाभी का हाथ बटा दोगे सही का? सही है, संडे को खाना नहीं बनाता हूँ भाई, कोई इसमें शक नहीं है, ढोकी छुपी बात नहीं है। सुनना करना चाहिए, गंदगी कर रही है, टमाटर है ये, और पैसे काटो। टमाटर गंदगी करा, टमाटर का मतलब यार लाज भी निकलेगा, समय नहीं सिमा है, लाज भी बेस्ट निकलेगा टमाटर में से भाई, रस वाली चीज है ये। यानी गलत बात है ये, ओवर एक्टिंग के पैसे कर दे खत्म कर भाई। ये साबुत बचा के घर ले जा रहा, बोला एक नहीं, मैं साबुत रखे, मैंने साबुत रखे हुए हैं ले जाने के लिए, पहले से थैली भर के हमें भाई। तो भाई हमारी माशाल्लाह से वीडियोस में किसी को कोई बात बुरी लगती हो तो मैं तो हरगिज़ किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में हर चीज से आप लड़ सकते हैं मगर किसी की बदुआओं से नहीं लड़ सकते। बदुआएं तो नहीं, बदुआओं को तो खैर नहीं, बुरी लगने वाली बात वो है, मगर बुरा लगे तो दो रोटियां ज्यादा खा लिया। बहुत सारे लोग बदुआ देने की कोशिश करते हैं मगर बदुआ भी वो लगती है जो अल्लाह को पता नहीं। मेरी बात सुनो, रेशो जो है ना, रेशो दुआओं का जब ज्यादा हो तो बदुआएं भी असर नहीं करती, सही है ना। और दूसरी बात, जब इतनी प्यारी प्यारी हमारी माए बहनें जो हम लोग के लिए दुआ करती हैं, तो दुआ करने वालों को तो मेरे भाई बहन जितने लोग परेशान है, अल्लाह पाक से दुआ करें कि आसानी करें और कुछ कोशिश करें अपने तौर पे भी कि इतने मामला जो है, हम घर में बैठे रहेंगे तो हालात नहीं चेंज होंगे, हमें खुद से भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे आसानी करे, हमारे मुल्क को। कल वाली वीडियो के ऊपर मेरे पास एक मैसेज आया है, हमारी कराची की आंटी है, बहुत अच्छी आंटी है, उन्होंने जो दुआएं दी है तुझे और मुझे, मतलब तुम लोगों की बातों की वजह से मैंने भी कोशिश की, तो मैंने भी थोड़ी सी किसी की मदद करने की कोशिश की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आगे मुश्किलात बहुत ज्यादा हो गई, रमजान भी करीब आ रहे हैं, रमजान तो रमजान, मगर आपको 12 महीने ये सब में मेहनत इसलिए कर रहा है कि इसको जो कमीशन इसको ज्यादा मिले। मैंने छोड़ दिया अभी, पहले बातें पूरी कर लो। रमजान भी आगे करीब है तो वैसे भी लोगों के लिए आसानी करनी होती है, 12 महीने ही कर रहे हैं रमजान को, एक स्पेशली ऐसा नहीं, 12 महीने हम लोगों के लिए आसानी कर सकते हैं। हम लोगों में यही चीज सबसे खराब चीज है, नहीं 11 महीने हम लोग जो ना, मतलब कोई वो नहीं, वो 11वें महीने में, मतलब 12वें महीने में लोग ढूंढ रहे होते हैं भाई। ज़कात भी जो है ना 12 महीने कभी भी दे सकते हैं, रमजान में फर्ज नहीं कि सर रमजान में देनी, रमजान में से अफजल हो जाती है, रमजान में सिर्फ रोजे फर्ज है। 12 महीने कहीं से 12 महीने कभी भी दे सकते हैं आप, ठीक है। 1 2 3 हो गया, सबसे बेहतरीन काम करेगा इसी के ऊपर ही हो गया। हाँ सबसे बेहतरीन काम भी, कोशिश ये करना है कि कंटिन्यू प्रेस नहीं करना, ये हाथ वाला है। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास बेतहाशा आइटम्स आते हैं, मगर ऐसे जो आइटम्स हैं ना बहुत कम आते हैं और ये भी लिमिटेड स्टॉक है, जिसको भी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा, मुझे पता है अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आवाम के पास इतने पैसे भी नहीं, ये नहीं ले सकते। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि हमारे माल में इतनी बरकत दे कि ये जितनी मुश्किल आती है ये आसान हो जाए, और हमारे जो हाकिम और हुक्मरान हैं इनको इंसान का बच्चा बना दे, और इन लोगों के ख्वाब में भी ऐसा ख्वाब दिखा दे कि इनको थोड़ा समझ में आ जाए कि लोग किस तरह से आसानी करेंगे। कल जवान के बच्चे ने कितने पैसे कम किए, टोटल 4-5 रुपए पेट्रोल पे कम किया और डॉलर पे एक्सपेक्टेशन है। भाई भी 15 रुपए बढ़ जाएंगे, फिक्र नहीं करो ना, 10 रुपए और मजीद बढ़ाएंगे वो। भाई ये तो इनकी पॉलिसी है ना, जब इनको 15 रुपए बढ़ाने तो ना तो 25 रुपए बढ़ाते हैं ये। आवाम को खुश करने के लिए 5 रुपए कम करते हैं, बाद में 10-15 रुपए बढ़ा देते हैं। नहीं नहीं 25 रुपए बढ़ाने होते तो ये 35 रुपए बढ़ाते हैं, 10 कम कर देते हैं। यार वो एक बंदा था जो ज़िया उल हक़ था, कौन था जिसने गवर्नमेंट ही छोड़ दी चीनी के महंगे होने पे? नहीं वो पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के ही भाई बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था 15 मिनट के लिए, तो वो बिजली का जो वजीर था वो 15 मिनट तक आवाम के सामने झुक कर खड़ा रहा, शर्मिंदगी में। तो ये हमारे यहाँ तो मतलब इतने माशाल्लाह मस्तंड है ना लोग, फर्क ही नहीं पड़ता असल में। ये बस अभी थैली में इस्तेमाल किया रख रहे हैं तो इन्हें खाली थोड़ा सा बचत हो जाएगी कीमत, आप धो के यूज करोगे ना। ये कीमा होगी और थोड़ी सी जगह में बना लो ये जबरदस्त सी।
और ये हो गया, प्राइस भी इंशाल्लाह आपको अच्छे ही देंगे। तो हम लोग तो प्राइस बताए नहीं, बताए नहीं प्राइस, प्राइस बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त सी चीज है यार ये, सबसे यार कैसे बन गया था चिप्स मंगवा ले। मैं वही तो कह रहा हूं तुझे सबसे बेहतरीन काम इसलिए इसकी भी किया होगा, जबरदस्त यार। और रमजान में बाहर का मिलावटी केचप खाने से बेहतर है घर में बनाया भाई अपना। नहीं मैंने आपको केचप का तरीका वो भी बता दिया है भाई, तरकीब देखें देखें अच्छा मसाले कितने डालेंगे ये बता दे। इसमें आपने चीनी डालनी है, हल्का सा नमक डालना है और चूल्हे पे उबाल लेना है, सिंपल सा। वो केचप तैयार, केचप तैयार, वो बेहतरीन घर में फ्रेश केचप खाया भाई अपने। चम्मच किधर है? टमाटर देखें क्या बना है यार। मैंने कहा सबसे बेहतरीन टमाटर ही पिसेगा ये, जबरदस्त किस्म का ये पेस्ट बन चुका है। अब आ गई कीमत की बात, कीमत इसकी हमने स्पेशल रखे, महंगा है थोड़ा सा। मार्केट में अगर आप इस तरह का चॉपर लेने जाते हैं तो 4,500 रुपए का ही, मोटर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी, आप लोग इसी तरह प्यार करते हैं, चीजें बेचना मकसद नहीं है। एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है तो हम अपने दिल की बात भी कह लेते हैं, लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए, किसी के दिल में हमारी बात उतर जाए, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमने हमने होलसेल में एक एक पीस भी देना शुरू किया तो हमें देख के बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजें की है, तो लोगों के लिए आसानी हो रही है और आगे भी जो दूसरे लोग भी है वो लोग भी करें, कोई मुश्किल नहीं होती। और जिन लोगों ने किए उनके हालात जाके देखे कितने फर्क आया। देखिए प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा होना नहीं मकसद, आप लोगों के लिए आसानी करें, फायदा देना अल्लाह का काम है, उसका छोटे से प्रॉफिट में भी अल्लाह इतनी बरकत दे देगा, जो आप बड़े प्रॉफिट में आपको बरकत नहीं होगी वो छोटे प्रॉफिट में भी हो सकती है। उसकी जीती जागती मिसाल हमारी दुकान देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह 7,50,000 रुपये महीना खर्चा है मेरा, ठीक है ना। दुकान का शटर खुलता है 28,000 रुपये मेरा खर्चा शुरू हो जाता है, टूट फूट खराब इतना निकलता है, कोई चीज रिटर्न नहीं होती, कुछ वापसी नहीं होता, ढेरों ढेर। आरिफ भाई मैं आपको कैमरा इधर लेके आऊँ, मैं दिखा देता हूँ, इधर लेके आरिफ भाई, इधर आओ, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं थोड़ा बहुत तो दिख जाएगा, मैं टॉर्च चला लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखो ये सारे कार्टन भरे हुए, देखे मैं कोई आपको झूठ नहीं कह रहा, दिख रहा भाई, दिखा आरिफ भाई, दिखाओ, दिख रहा है आरिफ भाई, दिखाओ, सारा टूट फूट वाला ये खराब सारा सामान है, ये नुकसान भी है, सारा खराब माल ही, ये लिखा हुआ इसके ऊपर तो बड़ा बड़ा साफ उर्दू में लिखा हमने, उर्दू में, ये एक्सपायर माल है नहीं बन सकता, ये लिखा हुआ खराब, उसके अलावा नीचे लिखा हुआ खराब, ये लिखा हुआ खराब, ये आज आरिफ भाई मैं बता दूं लोगों को अंदाजा हो जाए, तो ये टोटल जो है ना 25 दिन का सामान है, 25 दिन में इतना सामान निकाला है और इसकी कैलकुलेशन, मगर खुदा की कसम मेरा दिमाग खुद काम नहीं करता कि अल्लाह किस तरह असबाब बना देता है, किस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के लिए आसानी करें, और आपने खुद देख लिया कि कितना नुकसान ही। तो एक छोटा सा ट्रेलर अगर आपने अपने बिलाल सेंटर वाली दुकान के गोडाउन में देखा ना, जो ऊपर वाला गोदाम में इतना माल भरा हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, टूट फूट खराब सब होती है, मगर अल्लाह इस तरीके से बरकत देता है, हमें खुद समझ में नहीं आता। लोगों की पेमेंट भी हम दे रहे होते हैं, 10 मसले मसाले, भले हमारी जेब में भले कुछ नहीं होता, दिल हमारा खुशी से भरा होता है, मामला जैसे पेट भर के रोटी मिल रही है, कुछ नहीं, हमने कोई जायदादें नहीं बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी खुश है, किराए की दुकान है, खर्चे भी चल रहे हैं, अलग पाक इसी तरह रखे, बस किसी का मोहताज नहीं करे, बस ये मामला चलते रहेंगे। और प्राइस की बात आप बताते हैं, अदनान बताएगा, अदनान प्राइस की बात आ गई, तो भाई प्राइस इसके हम लोग रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 5,000 यार, इसके प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, हमने इस दफा बहुत ज्यादा वीडियो बनी भाई, देखे जब हमें मजा आ रहा है तो आप लोगों को भी मजा आ रहा है, हालांकि हम लोग थक चुके हैं, रात के लेट नाइट बनाते हैं पूरा दिन काम करने के बाद, इसके प्राइस कर दिए, छोटा सा बम है, बड़ा धमाका है और फुल कॉपर वाइंडिंग में मोटर है, बड़ा जबरदस्त तरीका मैंने आपको बता दिया, ब्लेड किस तरह बिठानी है और प्यार मोहब्बत से ध्यान रखिएगा, हाथ नहीं कटे, बहुत तेज ब्लेड है। प्राइस इसके हमने सिर्फ और सिर्फ कर दी 2400 रुपए, 2400 रुपए भाई, सिर्फ और सिर्फ 2400 में मिलेगा ये बड़ा बम, ओ छोटा छोटा बम, बड़ा छोटा धमाका, छोटा बम बड़ा धमाका, बड़ा धमाका। इसी तरह प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे, इंशाल्लाह आगे बहुत आसानी करेंगे अल्लाह ने चाह, महंगाई भले जितनी हो जाए मगर अहमद ट्रेडर आपके लिए सस्ता ही करता रहेगा, आगे खुद वाजे पता चलेगा, लोगों को हम बताएंगे कि महंगाई में सस्ता बेच के कैसे फायदा होता है, हमेशा की तरह हमेशा की तरह रहेंगे, जितने भी हमारे इदारे पाकिस्तान के जितने भी पुलिस ये वो सब सारे जिंदाबाद, सबके लिए जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम के लिए तो कभी बोले नहीं है, बोलेंगे हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारे लिए जिंदाबाद, भले नहीं सबके लिए नेक तमन्ना है, नेक दुआएं, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हैं, हमें सपोर्ट करते रहे, आखिर में शुरू में सबसे पहले जो कहते हैं आखिर में कहते हैं और आखिर में जो कहते हैं वो कहते हैं, कहने दो जनने वाले रहेंगे, हम तो इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।